विराट, एक मेरा सवाल था। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट तो है कि आपको आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर तो है ही है ओडीआई में, लेकिन इस तरह से अनफॉर्चुनेट आपने बताया कि आपको हटाया गया, तो आपको वजह बताई गई कि क्यों हटाया जा रहा है। और दूसरे एक और चीज जो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, बट ये आप भी सुनते होंगे या खबरें आती हैं कि आपके और रोहित के रिश्तों को लेके, उस पर थोड़ा आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं रीजंस ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते, रीजंस मैं समझ सकता हूँ। मुझे डिसीजन सही है नहीं उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी। मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो इवेंट्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा। विराट, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे, जो आपने क्लियर किया कि 1.5 घंटा पहले सिर्फ आपको ये बताया गया कि अब आप हिंदुस्तान के वनडे कप्तान नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आपने तो हमेशा इस बात को क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान की कप्तानी वनडे क्रिकेट में करना चाहते हैं। जी, ये सवाल था कि क्या सवाल ही था, आपने तो हमेशा क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान के वनडे कप्तान रहना चाहते हैं। जी, मतलब जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है, और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। भूषण, यू कैन गो अहेड विद अ क्वेश्चन। भूषण, इफ यू आर देयर। ऑलराइट, आम आई इफ यू आर देयर। या कैप्टन, इंडिया पे ब्रिलियंटली टू विन द लास्ट टेस्ट इन साउथ अफ्रीका इन जोबर्ग इन 2018, हाउ इंस्पायरिंग विल दोज मेमोरीज बी फॉर द टीम अहेड ऑफ द अपकमिंग सीरीज? सॉरी, आई लॉस्ट यू। India played brilliantly to win the last test in South Africa in Joburg in 2018. So, how inspiring will those memories be for the team going ahead in the series? We can take a lot of motivation from that, of course. I mean, we probably won in the toughest conditions on that tour. So that should give us a lot of confidence that if we have the right mindset and we start off the series with a lot of confidence and belief, we can definitely stand up to any challenge that comes our way and take a lot of heart from it. I think South Africa is one place where we have not won a series yet, so we are very motivated to do that. And the mindset is always to go out there and win a series in any country that we play. We don't anymore think of just winning a test match here and there, and we will do our absolute best that we can as a team to make sure that we keep contributing towards that cause. And yeah, as you rightly said, we will take a lot of motivation and a lot of belief from that victory. Final two questions, Mr. R. Kaushik, if you can go ahead with your question, if you can hear us, or you can send it on chat. I can hear you. Yeah, go ahead.
Virat, it was probably the tour of South Africa 4 years back which became the springboard for sort of India's bid to dominate in all parts of the world. So how excited are you at returning to a place with the opportunity of creating history, and what is it that makes playing in South Africa probably more challenging than some of the other places you played in? Yeah, I mean, South Africa was really the start for us as a team, traveling and starting to believe that we can win series overseas. We built it up nicely in England, and then Australia was an accumulation of all that effort. Yeah, South Africa presents a different kind of challenge. As I said, the wickets have a lot of pace and bounce, and you need to be at your absolute best to be able to perform there and get runs, get difficult runs. Something that we have tried to do as a team, but probably, you know, left ourselves a bit too much to do at certain times where sessions have gone very bad when they've gone bad, which is something that we've controlled really nicely in the recent past with more experience and guys understanding conditions and how to play in these kind of conditions against pitch bowlers, and you know, how to transition their innings through the day so they can bat long. So I think we are very well placed in terms of experience and belief and confidence that this time around we can. You know, do something special and get the results that we want as a team, and overcome probably the toughest conditions to go and win a series. Thank you. All right. Thank you, everyone. Thank you. Anand, you had asked for chat questions. I can see something popping up there. I don't know. I can't see it. Which one are you talking about? I don't know. There are a few questions. I just see some chat notifications. That's it. Okay. Let me check. All right, we'll take one final one from the chat. It says, you have always talked about building the team. How do you see your role in white ball captaincy as a senior member of the ODI squad right now? Well, my responsibility is obviously to push the team in the right directions. Something that I've always looked to do even before I became captain. So that mindset has never changed and it will never change. Rohit is a very able captain and very, very tactically sound. We've seen that in the games that he's captained for India and in the IPL as well. So, and along with Rahul Bhai, who's a very, very balanced coach, great man manager, both of them will have my absolute support and my contribution in whatever vision they set for the team. And I will be there to support that 100% and continue to be a guy who can push the team in the right direction going forward from here in ODIs and T20s. Perfect. Thank you. और सवाल हो सकता है हिंदी में संजीव बोल रहा हूँ नौ बारह टाइम से जी